गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर चैप्टर नंबर 17। हमारा चैप्टर नंबर 17 है सीजन्स आर स्पेशल। इस चैप्टर में हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। जो हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। और अर्थ के सराउंडेड में कौन सा लेयर है? एयर का लेयर है। इस कोल्ड एटमोसफियर, और इसको हम एटमोसफियर कहेंगे। द चेंजेस इन द एटमोसफियर आर नोन एज वेदर। जो एटमोसफियर में जो चेंजेस होता रहता है इसको हम वेदर कहेंगे। वेदर कैन चेंज मैनी टाइम्स इन वन डे। एक दिन में वेदर बहुत टाइम चेंज होता रहता है। समटाइम्स द वेदर इज द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी ऐसा होता है कि जो वेदर होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेम रहता है। When the weather is the same for a few months, जब weather बहुत सारे month के लिए same रहता हो, it is called a season। हम इसको season कहेंगे। ओके, एक बार हम फिर से देखते हैं कि atmosphere, weather और seasons किसको कहेंगे। तो जो हमारा earth है वो air से surrounded, यानी कि उसके आसपास air का एक layer है। इस air के layer को हम कहेंगे atmosphere। द चेंजेस इन द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर में चेंजेस आता है उसको हम कहेंगे वेदर। और जब वेदर में बहुत लॉन्ग टाइम तक सेम ही चेंज हो तो इसको हम कहेंगे सीजन। ओके, हमारे वहाँ सीजन्स बहुत सारी है। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड मॉनसून, ये सब सीजन है। वी हैव फोर मेन सीजन्स। हमारी मेन सीजन्स कितनी है? फोर। समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। Across the world in India, we have three main seasons। पर हमारे इंडिया में three main season है। Summer, winter and monsoon। Summer में गर्मी होती है, winter में ठंड होती है and monsoon में बारिश गिरती है। अब हम पढ़ेंगे spring के बारे में। February and March are the spring months। Spring months किसको कहते हैं? February और March के month को हम spring months कहेंगे। We call this season Basant in India। इंडिया में हम इसको बसंत कहते हैं। This season is pleasant। This season is pleasant, यानी कि इस सीज़न में सब बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले खिले रहते हैं और एटमोसफियर भी बहुत अच्छा होता है। अब हम पढ़ेंगे समर सीज़न। अप्रैल, मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। इन इंडिया, इंडिया में सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन से होते हैं? अप्रैल, मई एंड जून। इस मंथ में बहुत गर्मी होती है। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट इन दिस सीजन। क्या होता है इस सीज़न में? डेज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड नाइट्स जो होती है वो शॉर्ट होती है। पीपल ईट द आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स इन द समर। और पीपल क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। पीपल यूज फैंस, डेजर्ट कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स टू स्टे कूल। पीपल, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है इस सीज़न में, इसलिए पीपल क्या यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए? आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर फैन, डेजर्ट कूलर एंड एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी है। हाउ विल योर चॉकलेट लुक इफ़ यू लीव इट ऑन द टेबल ऑन अ हॉट समर डे? ड्रॉ हियर। जब आप अपनी चॉकलेट को टेबल पर ऐसे ही रख दोगे तो चॉकलेट कैसी हो जाएगी? तो चॉकलेट पिघल जाएगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉनसून। समर इज़ फॉलोड बाय मॉनसून। जुलाई एंड अगस्त आर मॉनसून मंथ्स। समर के बाद आता है मॉनसून, और जुलाई और अगस्त दोनों मॉनसून मंथ्स है। इट रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स। और मॉनसून मंथ्स में बहुत रेन होती है, बहुत बारिश गिरती है। वी यूज़ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग मॉनसून। और मॉनसून में हम क्या यूज़ करते हैं? रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज हम मॉनसून में यूज़ करते हैं। फैक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 23rd June। इट फॉल्स इन समर। समर में सबसे बड़ा दिन होता है 30 June। ओके, सेकेंड फैक्ट इज़ द रेनबो हैज़ 7 colors। जो मॉनसून के ड्यूरिंग जब रेन गिरती है तब कभी कभी हमें रेनबो दिखाई देता है। तो अब रेनबो के बारे में हम पढ़ेंगे। रेनबो हैज़ 7 colors। वो 7 colors से बना हुआ होता है। दैट यू कैन रिमेंबर एज VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके,
मॉनसून में सब क्या खाते हैं, चाय के साथ पकोड़े पीते हैं, चाय के साथ पकोड़े खाते हैं, और मॉनसून में बारिश से भीग ना जाए इसलिए वो रेनकोट और अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑटम। ऑटम में क्या होता है, सितंबर एंड अक्टूबर आर द ऑटम मंथ्स। ऑटम मंथ्स किसको हम कहेंगे, सितंबर और अक्टूबर को हम ऑटम मंथ्स कहेंगे। दिस सीजन इज ऑल्सो प्लीजेंट पीरियड, दिस सीजन इज ऑल्सो प्लीजेंट पीरियड, इस सीजन को भी हम प्लीजेंट पीरियड में ही लेंगे। अब पढ़ेंगे हम विंटर। विंटर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्ड विंटर मंथ्स, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर के मंथ्स कौन से होते हैं, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्ड विंटर मंथ्स। विंटर में बहुत ठंड होती है और उसमें डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती है। पीपल वियर वूलन लेदर्स एंड फर क्लोथ्स टू कीप वार्म, और अपने आप को वार्म रखने के लिए पीपल वूलन लेदर एंड फर क्लोथ्स पहनते हैं। दे यूज क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट, और वो क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स को भी यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। फायर एंड रूम हीटर्स कीप अस वार्म, जैसे हम समर में अपने आप को कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर कूलर यूज़ करते हैं, वैसे ही विंटर में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सब फायर हीटर्स और रूम हीटर्स यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फायर बॉनफायर किया हुआ है रूम को हॉट रखने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज चेंजेस इन द एटमोसफियर, जब एटमोसफियर में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं वेदर, तो इसको हम वेदर के साथ मैच करेंगे। सेकंड वन इज सेम वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कोई भी वेदर सेम टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो इसको हम सीजन कहेंगे, तो इसको हम सीजन के साथ मैच करेंगे। थर्ड वन इज ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, तो हम कौन सी सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स को ड्रिंक करते हैं, समर में, तो हम उसको समर के साथ मैच करेंगे। फोर्थ वन है नाइट्स आर लॉन्ग, तो किस सीजन में नाइट्स बहुत लॉन्ग होती है, तो इसको हम मैच करेंगे विंटर के साथ। ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, आपको सेंटेंस दिए है उस सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो इसको हमें करेक्ट करना है पहले और उसको हमें फिर से लिखना है। ओके, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, पहले तो हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है फेब्रुआरी एंड मार्च आर विंटर मंथ्स, तो विंटर मंथ्स कौन से होते हैं, तो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्ड विंटर मंथ्स। ओके, सेकंड वन है ऑटम सीजन फॉलोज समर, तो जो ऑटम सीजन है वो समर को फॉलो करती है, तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है, तो हम करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे मॉनसून सीजन फॉलो समर। ओके, थर्ड सेंटेंस है समर इज अ प्लीजेंट सीजन, तो कौन सी सीजन प्लीजेंट है, समर नहीं है तो स्प्रिंग है, तो हम लिखेंगे स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमोसफियर, तो एटमोसफियर क्या है, तो हमारा आंसर होगा प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसके सराउंडेड में एक लेयर है एयर का, इसको हम एटमोसफियर कहेंगे, तो आंसर होगा हमारा प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कोल्ड एटमोसफियर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फोर मेन सीजन, यहाँ पे हमारे फोर मेन सीजन के नेम लिखने हैं, समर विंटर स्प्रिंग एंड मानसून। थर्ड क्वेश्चन इज विच सीजन इज कोल्ड बसंत इन इंडिया, इंडिया में कौन से सीजन को बसंत कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा स्प्रिंग सीजन इज कोल्ड बसंत इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन इज वी यूज रेनकोट्स ड्यूरिंग दिस सीजन नेम इट, कौन से सीजन में हम रेनकोट यूज करते हैं, तो मॉनसून में, तो हमारा आंसर होगा मॉनसून। ओके, फिफ्थ वन इज हाउ डू पीपल कीप वार्म इन द विंटर, तो विंटर में अपने आप को वार्म रखने के लिए पीपल क्या करते हैं, तो हमारा आंसर होगा पीपल यूज क्विल्स एंड ब्लैंकेट्स फायर एंड रूम हीटर्स टू कीप अस वार्म, वो अपने आप को वार्म रखने के लिए क्विल्स एंड ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, बॉनफायर करते हैं और हीटर्स रूम में रखते हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी
There are six things in the picture. Write the first letter of each item and solve the six letter jumble to get a new word. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट लेटर लिखना है. देखो यहाँ पे रेन है तो उसका हमने आर लिखा, फिर अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग वहाँ पे एरो है तो वहाँ पे हमने यू लिखा, फिर यहाँ पे उसके हाथ में मनी है तो इसका हमने एम लिखा, फिर स्काफ है तो उसका उसके अकॉर्डिंग हमने एस लिखा, फिर उसके नीचे उसने ट्राउज़र पहना है इसलिए हमने उसके लिए एस लिखा, टी लिखा, और यहाँ पे स्टोन है इसके लिए हमने एस लिखा. यहाँ पे भी हमने जितने लेटर्स यूज़ किए उसकी हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड होगा स्टर्म्स. स्टर्म्स यानी कि तूफान. ओके,